गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। हमने आपको ड्राइंग बताया था इससे पहले, और आज हम आपको ड्राइंग बताने वाले हैं। ये आपकी बुक है, हमने आपको बुक के बारे में भी बताया था। तो पहला जो हमने बताया था आपको, जो पहली चीज हमने आपको सिखाई थी वो था स्टार फिश, और मैंने आपको इसे ड्रॉ करने का भी तरीका बताया था और उसे कलर करने का भी तरीका बताया था। तो आई होप आपका ये कंप्लीट हो गया। और बच्चों, मैंने आप लोगों से बोला था कि जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग संडे के वर्कशीट में आप इसको भेजिएगा, उससे पता चलेगा हमें कि कितने लोगों ने इसको फिल किया, फिर भी आप लोगों का होमवर्क नहीं आया। तो ये गलत बात है। जब आपको मैंने बोल दिया था कि आपको कलर करके ड्रॉ करके पिक्चर को सेंड करना है संडे को, फिर भी आपने ये नहीं किया, तो अब ये मत करिएगा। आपको सिखा इसीलिए रहे हैं, बता इसीलिए रहे हैं कि आप कुछ वर्क करो। तो इसमें तो आपको ड्राइंग करने में या ड्रॉ करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये शौक से कंप्लीट करना चाहिए। इसलिए अब हम जो वर्क देंगे उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एक साथ आपको पड़ जाए, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा तो कंप्लीट करते चलना ही चाहिए। सिंपल सा था, मैंने स्टार ड्रॉ करना आपको बताया था, उसको कलर करना इजली तरीका बताया था। वो ये तो आपको करके, कुछ बच्चों ने पिक्चर सेंड की है, और जिन्होंने सेंड की है बहुत अच्छा है, गुड, कीप इट अप। एंड जो बच्चों ने नहीं किए वो इस बार ऐसा नहीं करेंगे, वो सारे वर्क के साथ उस वर्क को भी सेंड करेंगे जो ड्राइंग का होगा। आपको हमेशा तो वर्क दिया नहीं जा रहा है, कभी कभी आपको करना है। तो जब कभी कभी आपके पास वर्क जाएगा तो आप ड्रॉ, अगर आप ड्रॉ करना अभी सीख रहे हैं, वो पिक्चर आपको सेंड नहीं करना तो मत करिए, लेकिन बुक में आपको कलर करना, तो कलर करके तो आई होप पिक्चर आप सेंड दें, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आप करेंगे अगर अच्छे तरीके से, मन लगाएंगे, तो हमें कराने में भी अच्छा लगेगा, और जब आपका मन नहीं लगेगा फिर कोई चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो इस चीज़ के लिए यह है कि आपको वीडियो के जरिए ही अगर हम आपको सिखा रहे हैं तो आपको उस चीज़ को सीखने की कोशिश करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो अब से कंप्लीट कर लेंगे, और इस संडे तो ज्यादा बच्चों का आना ही चाहिए। ऐसा आज हम इसको क्या करेंगे, कलर करेंगे, और आपको हम एक दो चीजें आपको ड्रॉ करना बताएंगे। तो पहले कलर करना हम देख लेते कि हम कलर कैसे इसको करेंगे। तो कलर द पैरेट, हमें पैरेट को कलर करना है, एंड ब्रांच उसकी डाल को कलर करना है विद वैक्स किस कलर, तो हमें क्रेयॉन्स कलर की सहायता से इसको कंप्लीट करना। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, और क्रेयॉन्स कलर उस कलर होगा, तो क्रेयॉन्स कलर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्रेयॉन कलर यूज करना है। देखिए, अब क्रेयॉन्स कलर है, पेंसिल कलर है, आप दोनों में से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्रेयॉन्स कलर भी है और हमारे पास पेंसिल कलर भी है, तो हम दोनों से करते हैं मिला के, जो अच्छा लगेगा। तो पहले हम इसमें ऑरेंज कलर से कंप्लीट करेंगे, आपको कलर करना है, और इतने ध्यान से आप कलर करिएगा कि कलर का एक भी हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ ना निकले, क्योंकि अगर कलर हमारा बाहर निकलेगा तो फिर हमें उस चीज को करने में मज़ा नहीं आएगा, और हमारी कॉपी बुक जो है वो गंदी दिखेगी। तो आपको इतने ध्यान से करना है कि आपका जो भी कलर है वो कलर कॉपी के बाहर, लाइन के बाहर ना निकले। एक्स्ट्रा कलर आपकी अगर लाइन के बाहर निकलेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसको हमें ऑरेंज कलर से कंप्लीट करना था, हमने इसको ऑरेंज कलर से कंप्लीट कर लिया। फिर हमें स्काई ब्लू कलर चाहिए, स्काई ब्लू से इसकी आईज को हम कंप्लीट करेंगे। आईज को हमने स्काई ब्लू कलर चला दिया, उसके बाद उसके आईज ब्रो ग्रीन है, तो हम उसको ग्रीन कलर से करेंगे। और आप कलर को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, कलर की नॉलेज है,
तो इतना हमें पता है कि कौन सा कलर हमें कहाँ यूज़ करना है। एंड ग्रीन से हमें, येलो से हमें उसके से कलर करेंगे। ये हो गया, कलर को देखते जाएंगे और कलर को कंप्लीट करते जाएंगे। फिर है पिंक कलर, पिंक कलर का यूज करेंगे हम। और हमें इतना ध्यान रखना है कि जो कलर हम यूज कर रहे हैं वो एक कलर दूसरे कलर में मिक्स ना होने पाए, और हम जिस बॉक्स में अपने कलर को फिल कर रहे हैं उसी में हमारा कलर फिल हो। एंड सेकंड, कि अगर हमारा एक कलर दूसरे कलर से मिक्स होता है तो देखने में भी गंदा लगेगा और हम कलर को फिर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फिर हम ब्लू कलर से करेंगे इसको। ओके, इसको कंप्लीट करेंगे। जब हमारा कलर बाहर नहीं निकलेगा तो हमारी क्या है, कलर बुक देखने में अच्छी लगेगी। अगर निकल जाएगा तो फिर वो सफाई नहीं रहती हमारे में। फिर ग्रीन से इसकी लीफ करेंगे। कुछ इससे यहाँ भी हमें ग्रीन दिख रहे हैं जो कि पूरा नहीं है, फिर भी हम इसको बुक के अकॉर्डिंग हमें इसको कंप्लीट करना है, तो हम बुक के अकॉर्डिंग इसको कलर करेंगे इसका। एंड फिर हमें इसमें ब्राउन कलर चाहिए जो कि वेरी ब्राउन कलर, क्रेयॉन्स कलर, ब्राउन कलर यूज करिएगा। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके से 4 से 5 मिनट्स में हमारे कलर कंप्लीट हो गए हैं, तो इसीलिए मैंने बोला आपको बहुत टाइम नहीं लगने वाला। आप कलर तो कॉपी में, बुक में आराम से फिल कर ही सकते हैं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी ना चाहिए होगा। देखिए आपकी बुक में कलर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो आप डार्क कलर करना चाहते हैं तो डार्क कलर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लाइट करिए ज़्यादा बेटर है। जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसके आगे की चीज़ें बाद में बताते हैं, और इससे पहले हम आपको कुछ ड्रॉ करना बताते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हमें आर्ट की कॉपी चाहिए होगी। जो आर्ट की कॉपी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई वेस्ट कॉपी हो, वेस्ट कॉपी ले सकते हैं, रफ ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हम आपको बताएंगे ड्रॉ करना। आज हम आपको अल्फाबेट यानी ABCD से आपको कुछ चीजें ड्रॉ करना बताएंगे, जो इजी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं जब भी आपको करना है। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं कि ए से हम क्या बना सकते हैं। तो
ए से हम बनाएंगे जोकर, क्या बनाएंगे? जोकर। जो फर्स्ट हम सीखेंगे ए अल्फाबेट से वो है जोकर, जिसको बनाने के लिए हमें ए ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ए हम स्केल से ड्रॉ कर लेंगे इजी तरीके से। अगर आपको स्केल नहीं यूज़ करना तो मत करिए, हैंड से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमें ए ड्रॉ करना है। तो हमें ऐसे मिला देना है इसको, इसका माउथ ड्रॉ करना है। आईज ड्रॉ करना है, नोज ड्रॉ करना है, माउथ ड्रॉ करना है। क्या ये बन गया जोकर? कितना इजी था। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ए ड्रॉ किया, फिर उसका मैंने माउथ बना दिया, उसे माउथ उसका ऐड कर दिया, फिर आईज उसे मैं ऐड कर दिया, नोज माउथ, बन गया हमारा जोकर। कितना इजी था ना, इजी था ना ड्रॉ करना। फिर ये तो हमने ए से किया, ए के बाद क्या आता है? बी आता है। ए से हमने किया जोकर, जो इजी तरीका था। सबसे पहले हमने उसको, अब सबसे पहले हमने ए बनाया तो बहुत इजी है। फिर ए में मैंने उसके जोकर के बाकी चीजें ऐड कर दी, आईज बना दी, नोज माउथ, और ये बन गया हमारा जोकर। तो आप इसको अच्छी तरीके से पहले ट्राई करिएगा, फिर हम आपको बी अल्फाबेट से बटरफ्लाई बनाना बताएंगे, जो भी बहुत इजी है। लेकिन आपको एक साथ बता देने का मतलब ये है कि आपके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, आप एक साथ कुछ भी सीख नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे करके आपको सिखाएंगे और आपके सारे अल्फाबेट से आपको चीज़ों को बनाना बताएंगे, बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, सब से सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ए बी सी डी करके। के लिए आपको सारी वीडियोस देखना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपको वर्क दिया जाए उसको प्लेट करके उसको दे दिया करिए। जोकर बनाना बहुत आसान है, आप सिंपली ए बनाइए, ए पे आपको ऐड कर देना, कुछ भी बाहर से नहीं कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपने मनपसंद कलर इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे हमने जोकर की टोपी को रेड बना दिया। क्या मैं जोकर की टोपी को रेड बना दिया? आईज
जो कर रेडी। जो कर रेडी हो गया हमारा। तो हमने आज आपको दो चीजें बताई हैं, एक आपके बुक में जो आपको कलर करवाया और आपको एक सहायता से आपको जोकर बनाना बताया। तो आपका ये और ये आपका कंप्लीट है। तो अब की बार के वर्कशीट में आपको इसके पिक्चर और इसके जोकर के पिक्चर्स को भेजना है। ओके, थैंक यू।